हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भाई, और ठीक ठाक? बस बढ़िया। क्या नाम है भाई साहब अपना? मेरा नाम यादविंदर सिंह है। और कहाँ से आए आप? मैं मल्ला कलां के मान ब्रदर स्टड फार्म मल्ला कलां। मान ब्रदर स्टड फार्म? हाँ, मान ब्रदर स्टड फार्म मल्ला कलां। ओके, और कितने क्या घोड़े वगैरह लेके आए हुए हैं? हम लोग 4-5 घोड़े लेके आए हैं, बड़े स्टेलियन। ओके, और बाकी बच्चे है। तो मारवाड़ी भी लाए हो कि नुकरे? मारवाड़ी भी लाए। मारवाड़ी भी लेके आए। तो अभी जो अपने सामने ये घोड़ा खड़ा हुआ है, इसके घोड़े का क्या नाम है? इस घोड़े का नाम है खली। खली, हाँ। और क्या उम्र हो गई होगी इसकी? इसकी 11 साल उम्र है। 11 साल का? हाँ। है। और 11 साल से आपके पास में ही है क्या? हाँ, ये मेरा दोस्त है जस्सी नागरे तो मुंडा। हाँ हाँ, उसके पास है। इसी के पास में, भाई के पास में। और इसका बाप कौन है खली का? गुलजार। गुलजार घोड़ा। और इसकी हाइट क्या होगी खली की अभी? 68 है। तो मेरे को लगता है 11 साल का, तो उस हिसाब से इसने घोड़िया तो बहुत कवर करी होगी। बहुत, इसके बच्चे बहुत आए हैं मंडी में। कितनी घोड़िया कवर कर दी होगी लगभग इसने? गिनती नहीं अभी तो है, 11 साल में तो गिनती भूल गए। जब भी 1000 तो करी दी होगी लगभग। लगभग, हाँ। तो कितने क्या बच्चे होंगे इसके मार्केट में जो अभी आए हुए हैं, आपने देखे हुए? बहुत ज्यादा बच्चे इसके है, खली के बच्चे। तो लोग जो बोलते हैं कि भाई खली घोड़े का बच्चा है, खली घोड़े का, वही खली घोड़ा है क्या ये? हाँ, वही खली घोड़ा है। पंजाब में बहुत मशहूर घोड़ा है खली। खली, हाँ। और उम्र क्या है? 11 साल हो गई है ना? 11 साल हो गई। तो ये अपने घर की होम ब्रीड था? नहीं, खरीदा है। खरीदा हुआ था, हाँ। और माँ देखे तो माँ कौन थी इसकी? नुगरी। माँ इसकी बहुत बड़ी थी, नुगरी थी। तो माँ है अभी या नहीं है? जिससे हमने लिया उसके पास होगी। अच्छा, अभी नहीं है माँ? अभी होगी। होगी, हाँ। ओके, लेकिन नाम है इसका खली है। खली। तो इसकी कवरिंग की क्या फीस रख रखी है आपने? इसकी 21,000 फीस। 21,000 रुपये। तो ये मंडी में पहली बार आएगा? इससे पहले भी लेके आए थे आप? आता है, पहली भी आया। पहले भी आया हुआ? हाँ। ओके, और ये वाला घोड़ा? ये जोगी है। जोगी, हाँ। जोगी की क्या उम्र है? इसकी भी 11 साल उम्र है। 11 साल है, हाँ। 10 का डेट ऑफ बर्थ है। तो ये भी घर की होम ब्रीड है या खरीदा? नहीं, था ये भी खरीदा है। खरीदा था, हाँ। यानी दोनों 11-11 साल के घोड़े हैं? दोनों 11-11 साल के घोड़े हैं। और इसका बाप कौन है? इसका बाप है गद्दा डोब वाले घोड़ा। क्या नाम है? गद्दा डोब वाला घोड़ा बाजदा है। ओके, तो क्या नाम था उसका? यही नाम था गद्दा डोब वाला घोड़ा? उसका नाम नहीं पता, उसका यही चलती है, उसकी लैंड गद्दा डोब वाला घोड़ा बाजदा है। ओके, यानी बहुत पुराना घोड़ा है। बहुत पुराना घोड़ा है, उसका बच्चा है। और हाइट में कितना होगा ये? ए स्टार्ट है 67। 67 लाइन वाले में। तो दोनों, यानी कि इसके रिजल्ट की बात करें तो कैसे रिजल्ट देता है? इसके रिजल्ट भी बहुत आए हैं भाई। इसकी अभी बछेरी आई है हमानगढ़ मेले में फर्स्ट, इसकी जोगी की। हाँ, जोगी की। और बच्चे बहुत खूबसूरत। और जोगी की कवरिंग फीस क्या है? जोगी की कवरिंग फीस 15,000। 15,000 रुपए। हाँ। और कितनी क्या घोड़िया कवर करा दी होगी आपने इससे? हमने खरीदा जब से हमने करा दी 16-17 घोड़ी कवर। 16-17, हाँ। तो खली में और जोगी में से किसका पावर ज्यादा है? दोनों का पावर ही है, दोनों का अपने अपने पावर है। दोनों एक ही घर में रहते हैं क्या? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग। तो दोनों दोस्त है क्या? हाँ। कुछ कर नहीं रहे हैं? दोस्त है, इसके अंदर भी हम दोनों दोस्त है। अच्छा, ऐसी हाँ। बात है क्या? हाँ। क्योंकि नुकरे घोड़ों में जो 10-11-12 साल के घोड़े मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम। हाँ। पे है ना। नहीं, जो रिजल्ट रिजल्ट आ जाता वो फिर 10-11 साल आके मार्केट च आ जाता। हुण इन्हां घोड़ियां दा मार्केट च रिजल्ट खड़ा। अच्छा, हाँ। तो अभी ये घोड़े खाली सिर्फ दिखाने के हिसाब से लेके आए? दिखाने के हिसाब से, बिल्कुल। तो मेले में भी कवरिंग करी करवाई क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, मेले में नहीं छोड़ते। मेले में नहीं करवाई। हाँ। बाकी कब आए थे आप मेले में? 10 तारीख को आए थे। 10 तारीख को, हाँ। कल तो बहुत भीड़ भाड़ होगी। कल तो बहुत ही भीड़। तो मेरे को लगता है नुकरों की सेफ्टी भी बहुत रखनी पड़ती होगी। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मेरे को लगता है आपका एक या दो बंदे तो नुकरों के पास ही बैठे रहते होंगे। 4 बंदे। 4 बंदे, हाँ। अगर फैल जाए तो एक से तो सिमटाऊ में भी नहीं आया ना। हाँ। तो घोड़ा छूट गया था हमारा एक। कब आते? आज मंडी में? ना ना, 2 रोज। अच्छा, 2 दिन पहले। हाँ। फिर पकड़ में आ गया था? पकड़ में आ गया था। फिर कैसे पकड़ा? वो बहुत औखा पड़ा। भग गया था या और कहीं? हाँ, और कहीं भाग गया था। वो जिसके पास गया था वो भी जानवरों का प्यार करने वाला तो था नहीं। अच्छा, वो डंडे लेके पै गया। अच्छा, वो जो मैटर हुआ था कल, वही वाला क्या? वो हमारा ही घोड़ा था फतेह। अच्छा अच्छा, घोड़ा सेफ है? हाँ, घोड़ा सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कितने सी क्या जा पागल किधर सी है? वो आए अंदर लोग। कौन सा घोड़ा था ये वाला? क्या नाम है इस घोड़े का? इसका नाम फतेह है। फतेह, चलो भाई आप इधर आ जाना।
अच्छा छूट गया था। हाँ। तो छूट कैसे गया, गलती से या लगाम टूट गई थी? मुन्नू को पकड़ना बहुत भारी मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो दूसरे घोड़े को क्या कोई नुकसान पहुंच गया था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ था, बचत हो गई। और डंडे लेके पै गए, और डंडे नाल तो तेन पता फिर घोड़ा जानवर और डर जाता। हाँ। वो घोड़ा डरने लग जाता है ना यार, भबक जाता है, फिर तो और पकड़ में नहीं आया। हाँ। तो अच्छा यहाँ से छूट के और वहाँ जाके पकड़ में आया? हम गेड़ा गड़ा रहे थे। अच्छा, तो रास्ते में लगाम टूट गई। लगाम टूट जाए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो भी भाई लोग हैं मंडी में या वैसे भी घोड़े की, चाहे लगा एक रोटी खुद कम खा लें पर लगाम मजबूत रखें घोड़े की। बहुत मजबूत थी भाई, बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूत थी। घोड़ा अभी बच्चा ही है, पर घोड़े जोर जोर ज्यादा इसके पावर के सामने लगाम भी क्या है ना, क्या है, क्या हाइट है अभी इसकी फतेह की? इसकी 68 है। 68 है। हाँ। और किस घोड़े का बच्चा है ये? नूरे का, बकरपुर वाले नूरे का। पंजाब की मागी मंडी में नुकरे तो एक से एक जबरदस्त आते मेरे को लगते हैं। दो बारी तो बिंदर है शो का। कौन से शो का? एक तो फरीदकोट, एक और दो लोकल शो नहीं होते, एक उसमें था। ओके, तो क्या है अपना कॉन्टेक्ट नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है, वही है क्या? आओ तो ये एक और दिखाए, जे रौली वाले का बच्चा है अर्जुन। अच्छा, अर्जुन रौली वाले का। 13 महीने का है। 13 महीने का। क्या नाम रख रखा है इसका? पंजाब। पंजाब। हाँ। तो सेल के लिए आएगा पंजाब? हाँ जी, कोई अच्छे पैसे देंगे तो सेल कर देंगे। यानी आप पंजाब को बेच के मानोगे पूरे को है? नहीं नहीं, पंजाब को नहीं बेचते। हाँ देखो जी, घोड़ी थी जो बच्ची इसकी फास्ट आई थी। अच्छा अच्छा। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर कौन सा है इसमें से? 8516022। ओके। 90413-93413। और ये अपना मान ब्रदर स्टड फार्म है? मान ब्रदर स्टड फार्म। ए मुद की तो बग्गा पुराना रोड पे है। थैंक यू भाई साहब। ठीक है भाई साहब।